नमस्कार, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज एक टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ जो अक्सर लोग पूछते हैं, रुद्राक्ष का प्राइस क्या है। और हर दूसरा व्यक्ति फ़ोन करके मैसेज करके ही पूछता है ये रुद्राक्ष का प्राइस क्या है। तो मैंने एक जनरल पहले भी वीडियो बनाया था, वापस बता रहा हूँ कि हमेशा प्राइस जो अवेलेबल रुद्राक्ष होता है हमारे पास, उस रुद्राक्ष में आप क्या मांग रहे हैं उसके ऊपर है। हमारे पास बेस्ट क्वालिटी के रुद्राक्ष होते हैं, हम लोएस्ट क्वालिटी के तो रखते भी नहीं। जैसे आपके सामने एक उदाहरण के तौर पे दिखा रहा हूँ, ये 11 मुखी के रुद्राक्ष है। अब ये 11 मुखी के रुद्राक्ष में नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 क्वालिटी के रुद्राक्ष आते हैं मार्केट में। लेकिन हम वो 10 के 10 क्वालिटी नहीं रखते हैं। हम पहले 5-6 तो छोड़ ही देते हैं और वो 5-6 तो रिजेक्ट ही हो जाते हैं। बाद में 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर पे जो क्वालिटी का निकल के आता है पीस, वो हम हमारे पास लाकर बेचते हैं। तो इसीलिए हमारे पास आपको जो प्राइस मिलने वाला है वो ये रेंज का प्राइस मिलेगा, ना कि के जो यहाँ के जो रिजेक्ट किए हुए पीस है उसका। तो आप समझ लीजिए, ना वो हमारे पास स्टॉक में होता है, ना ही आप हमको उसका रेट पूछेंगे और मार्केट में कंपेयर करेंगे, अरे वहाँ पे तो ये प्राइस ऑनलाइन में मिल रहा है। तो हम आपको कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, ना ही हम आपको कोई एंटरटेन कर पाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ अच्छे क्वालिटी का रखते हैं। अभी ये एक ही 11 मुखी का रुद्राक्ष एग्जांपल देता हूँ। वैसे हर मुखी के रुद्राक्ष 2 3 4 5 मुखी से लेके 12 14 15 16 17 सब में इसी तरह का रहता है सिचुएशन के। रुद्राक्ष जो है उसमें वेरिएशंस बहुत होते हैं, क्वालिटी, वजन, साइज़, कलर क्या है। अभी ये जो रुद्राक्ष है ये सबसे टॉप क्वालिटी का रुद्राक्ष है, तो इसको मैं वो प्राइस में नहीं बेच सकता जितने में मैं ये बेच रहा हूँ। तो आप अगर मुझे आकर पूछेंगे रुद्राक्ष का क्या प्राइस है और मैंने अगर इसका प्राइस बता दिया और आप बोलेंगे ये रुद्राक्ष को ये प्राइस में दो, तो नॉट पॉसिबल, नहीं दे सकते। ये एक समझने वाली सेंसिबल व्यक्ति के लिए समझने के लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को ये बात ही समझ में नहीं आती कि एवरी रुद्राक्ष कैन नॉट बी ऑफ द सेम प्राइस। हम आपको रुद्राक्ष का एक प्राइस रेंज बता सकते हैं, जैसे कि 11 मुखी रुद्राक्ष आप हमको पूछे तो 8,500, 9,000, 10,000 से लेकर 14 15 16,000 के रेंज के रहते हैं। अभी हमारे पास उस समय कौन सा अवेलेबल रुद्राक्ष होता है उसका हम प्राइस बता सकते हैं आपको, ना कि हर कोई रुद्राक्ष का प्राइस। अभी आपको लगेगा कि अरे ये 15,000 क्यों बता, लेकिन 15,000 के क्वालिटी का रुद्राक्ष होगा तो 15,000 ही बताऊँगा। अगर मेरे पास 8,000 की क्वालिटी का होगा तो 8,000 का बताऊँगा। और मेरे पास 6,000 की क्वालिटी का रुद्राक्ष है तो मैं बताऊंगा, लेकिन 6,000 की क्वालिटी का रुद्राक्ष में जब रखता ही नहीं हूं तो मैं आपको वो प्राइस बताओ ही क्यों बताऊं मैं। और आपको मार्केट में शायद मिल जाए, कहीं आप गए हो, हरिद्वार, ऋषिकेश, बनारस, हर जगह पे मिलते हैं, वहाँ पे तो आपको मिल ही जाएगा क्योंकि बहुत सारी दुकानें होती हैं। हम बॉम्बे में सेल करते हैं, जेन्युइन माल बेचते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रीम कस्टमर्स आते हैं हमारे पास जो अच्छी क्वालिटी का ही डिमांड करते हैं। तो उन लोगों को ध्यान में रख के रुद्राक्ष ला के बेचते हैं, ना कि जनरल कैटेगरी कस्टमर जो हर जगह तीर्थ स्थान पे जाता है और हर जगह तीर्थ स्थान पे हर क्वालिटी का जो माल मिलता है, लोअर क्वालिटी का माल मिलता है, वो भी हमसे डिमांड करेगा, नॉट पॉसिबल। ये 5 मुखी का रुद्राक्ष में टॉप क्वालिटी का रखता हूँ, जनरल क्वालिटी 50-60 रुपये का, 70-80 रुपये का जो छोटा पीस आता है वो मैं रखता भी नहीं हूँ, बेचता भी नहीं, मेरे पास दिखाने के लिए भी नहीं है। तो मुझे उसका भाव पूछ के कोई मतलब नहीं है और ना ही मैं वो प्राइस में दे पाऊँगा। तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊँ कि प्राइस रेंज क्या होते हैं। जैसे कि सबसे एक्सपेंसिव होते हैं तो 2 मुखी, 13 मुखी, 14 मुखी, ये सब एक्सपेंसिव कैटेगरी। 2 मुखी रुद्राक्ष का प्राइस रेंज होता है 27,000 से लेके 45,000 के रेंज का आता है। लेकिन उसके बाद सीधा 3 मुखी पूछेंगे तो 750 से 1700 का प्राइस रेंज होता है। अभी ऐसा क्यों है, तो कि 2 मुखी केवल और केवल 2 या 3 पीस निकलते हैं एक सीज़न में एक पर्टिकुलर ट्री के ऊपर नेपाल में, जबकि 3 मुखी कई बार निकलते हैं। 5 मुखी बहुत मैक्सिमम क्वांटिटी में, भी एक झाड़ है तो उस पर 95% 5 मुखी निकलते हैं, और 5 मुखी और थोड़े 6 मुखी निकलते हैं। तो 5-6 मुखी बहुत ज़्यादा निकलते हैं, बहुत मतलब अगर हम बॉक्स ख़रीदते हैं तो हमारे पास भी एक बॉक्स के अंदर 5 मुखी और 6 मुखी के क्वांटिटी ज़्यादा निकलते हैं एक बॉक्स के अंदर। लेकिन उसके बाद थोड़े फिर 3 मुखी निकलेंगे, फिर ये 3 4 5 मुखी हो गए, 6 मुखी हो गए, फिर उसके बाद बहुत कम क्वांटिटी में 7 मुखी। 7 मुखी का प्राइस रेंज वो हिसाब से होता है 1,500 से लेकर 3,500। तो अभी ये बेसिक चीज़ आपको समझनी है एज अ कस्टमर के हर कोई रुद्राक्ष जो बेचता है उसके पास उस समय क्या माल अवेलेबल है, क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है, वो हिसाब से वो आपको प्राइस कोटेशन देगा, ना कि के वो इस हिसाब से देगा कि भाई ये रुद्राक्ष का तो यही प्राइस होना चाहिए, ये सब रुद्राक्ष इतने में ही मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है, ये पेड़ का फल है। आप अगर सिंपल एग्जाम्पल है आम की सीज़न में आम खरीदने जाएंगे तो आम हमारे तो बॉम्बे में यहाँ पे शुरुआत में मिलते हैं 1000 रुपये डज़न मिलता है, 1500 रुपये डज़न मिलता है, और अभी लोअर सीज़न आ जाती है जब लास्ट में मई जून आ जाती है तो 500 रुपये डज़न मिलता है, 250 रुपये डज़न भी मिलता है। और अभी आप रोड पे लेने को जाओ तो सबसे लोएस्ट क्वालिटी का आम मिलता है अभी जून जुलाई अगस्त के सीज़न में, तो वो 100 रुपये डज़न भी मिलता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम आपको वो लोएस्ट क्वालिटी के प्राइस से जो 100-150 रुपये का डज़न का भाव है वो भाव से हम आपको बेस्ट क्वालिटी के आम खरीद के देंगे? नॉट पॉसिबल, ऐसे नहीं होता है। जिसका जो भाव होता है वो होता है, वो अप टू द मार्केट होता है कि वो क्वालिटी क्या भाव में बिकती है। अभी ये जो क्वालिटी है ये जिस भाव में बिकती है, अब मेरे पास ये 11 मुखी देखने के लिए अवेलेबल भी है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिसके पास ये क्वालिटी 11 मुखी देखने को भी नहीं मिलेगी, ये आपको दिखा भी नहीं पाएंगे, ये बेचने की बात तो दूर, दे डोंट हैव इन डिस्प्ले ऑल्सो, उनके दुकान में ये माल होगा भी नहीं। तो क्या आप उनसे जाके ख़रीदेंगे, पूछेंगे तो वो बोलेंगे अरे बहुत महंगा बेच रहा है? अभी वो तो मेरा माल तो महंगा ही बताएगा ना, क्योंकि उसके पास यहाँ के रिजेक्ट क्वालिटी का जो नंबर 1, 2, 3, 4 बताया और 6, 7, 8, 9, 10 बताया, तो उसके पास ये माल है ही नहीं। उसके पास ये माल ये साइड का है जो मैं ही नहीं रखता हूँ, जो नीरज के पास दुकान में नहीं है, और वो 1500 का 2000-3000 रुपये के क्वालिटी का दाना है जो मैंने रिजेक्ट कर दिया है, और वो आदमी उस दुकान में लो क्वालिटी का बेच रहा है, तो डेफिनेटली उसके पास ही सस्ता मिलेगा और मेरे पास सस्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं लाया ही नहीं हूँ मेरे दुकान में बेचने के लिए और मैं नहीं बेचने हूँ। मेरे पास टॉप क्वालिटी का माल मिलेगा, टॉप क्वालिटी चाहिए मेरे पास आई है, टॉप क्वालिटी में उसमें भी सिलेक्टेड चाहिए, उसमें भी सुपर कलेक्टर साइज़ चाहिए, उसमें भी हैवी दाना चाहिए, मेरे पास आई है। आई एम द राइट पर्सन। हाँ, लोअर क्वालिटी चाहिए कहीं भी जा सकते, कहीं भी ले सकते, आपको सस्ता लो क्वालिटी का माल मिल जाएगा मार्केट में। उसके लिए ढेरों दुकानें पड़ी हुई है, हर तीर्थ स्थान पे जाएंगे, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में हर जगह पे आपको मिल जाएगी। ऐसा आप डायरेक्टली नेपाल में जाएंगे तो नेपाल काठमांडू में भी आपको बहुत सस्ते सस्ते रुद्राक्ष मिल जाएंगे, डुप्लीकेट रुद्राक्ष मिले। अच्छा, सबसे और एक अहम बात, अब डुप्लीकेट सर्टिफिकेट भी मिलते हैं मार्केट में, कुछ लोगों को ये समझ भी नहीं है। सर्टिफिकेट देना डज़ नॉट नेसेसरली मीन कि आपको ओरिजिनल मिल रहा है। सर्टिफिकेट देना सिर्फ एक बहाना है अपना माल बेचने के लिए, बाकी सर्टिफिकेट का कोई मीनिंग नहीं है। जो आदमी जेन्युइन बेचेगा वो जेन्युइन बेचेगा, चाहे वो सर्टिफिकेट के साथ बेचे या मैं ऐसे लूज़ रुद्राक्ष बेचता है। अभी इसके अंदर पैकिंग करा के सर्टिफिकेट लगा के बेचूँ और उसका 7-8 हज़ार एक्स्ट्रा चार्ज करूँ, वो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं जेन्युइन देता हूँ। हाँ, अगर आप बोलेंगे कि इसका सर्टिफिकेट चाहिए तो मैं ज़रूर इसका सर्टिफिकेट बनवा के पैकिंग केस बनवा के दूँगा, पॉसिबल है। But why waste money? And I don't know if every customer is not trusting. अभी most of customer मेरे को trust करते हुए ले जाते हैं, तो उसके लिए कोई मैं एक्स्ट्रा पैसा डाल के सब रुद्राक्ष का सर्टिफिकेट रेडी नहीं रखता हूँ। वो तो रुद्राक्ष का सर्टिफिकेट जब कस्टमर मांगता है तभी दिया जाता है, तो क्यों? क्योंकि हर रुद्राक्ष का सर्टिफिकेट बनाने का पैसा ही लगता है ना। अब इस पर कॉस्ट एड ऑन हो जाता है। अभी 1000 रुपया 1200 रुपये सर्टिफिकेट का है तो 1000-1200 रुपये इसके कॉस्ट पे ऐड हो जाएगा। हाँ, अगर कस्टमर बाई करने के लिए रेडी है तो इसको सर्टिफिकेट भी बनवा के दिया जाता है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलेगा। तो दिस इज़ व्हाट द प्राइसिंग ऑफ रुद्राक्ष लुक्स लाइक। तो आपको ये रुद्राक्ष खरीदने से पहले समझना, 10, 11, 12 मुखी ये सारे के सारे 6,500 से लेके 12, 14, 15, 16,000, 17,000 के रेंज में पर पीस मिलते हैं, डिपेंडिंग ऑन हमारे पास कौन से साइज़ के उपलब्ध है। और हम टॉप 3, टॉप 4 पीस ही लाते हैं जो एक लॉट के अंदर आते हैं। समझो 25 पीस रुद्राक्ष का एक लॉट आता है तो उसके टॉप 4, टॉप 5 पीसेस हम रख लेते हैं। उसके लोअर क्वालिटी के पीस हम रिजेक्ट कर देते हैं और हम रखते भी नहीं हमारे दुकान में, फिर और कोई दुकान वाला रखता है तो उसके पास शायद मिल जाए आपको, वो हमारे पास नहीं मिलेगा, उसके पास मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका काम ही वही है, उसके पास मासेज बहुत क्वान्टिटी में लोग आते हैं, तीर्थ स्थान पर दुकान है, वहाँ पे वो लोग सस्ता बेचेंगे। हम नहीं बेचते, हम क्रीम ऑफ द क्राउड, क्रीम क्वालिटी कस्टमर के लिए पर्सनल कंसल्टिंग, बेस्ट क्वालिटी रुद्राक्ष जो मांगते हैं उनके लिए हम ये प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास कोई जनरल कैटेगरी सस्ते रुद्राक्ष नहीं मिलते। अभी हमारी जपमाला भी ये पत्थरी दाना होती है, अभी ये जप माला पथरी दाना है तो ये वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी की पथरी दाना जप माला है। अभी ये जो जप माला है ये आपको देखने भी नहीं मिलने वाली है, मोस्ट ऑफ द स्टोर्स में नहीं देखने मिलेगी। आप जाके भी कि कहीं पे मांगेंगे ना तो आपको ये 4500 5000 रुपया बोलेंगे फिर भी ये दाना नहीं देंगे। अभी ये बेस्ट क्वालिटी के हैं, उसमें भी छोटे साइज़ के दाने आते हैं जो इंडोनेशियन बेस्ट क्वालिटी के, ये दोनों इंडोनेशियन बेस्ट क्वालिटी के पथरी दाना माला है। ये सिर्फ हमारे पास मिलेंगे। पथरी दाना बोल के लो क्वालिटी का सस्ता दाना पकड़ा देना बहुत जन कर दे। हम ना ही डिस्प्ले में रखते हैं ना ही हमारे पास अवेलेबल होता है। हम क्यों बेचें? हमको सस्ता क्वालिटी बेचने के लिए आता ही नहीं, हमारा काम ही नहीं है वो, तो हम बेचेंगे भी नहीं। सो दिस इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग के ये रुद्राक्ष का प्राइसिंग क्या होता है। आप अगर हमको रुद्राक्ष का बताएंगे कि हमको ये प्राइस रेंज में चाहिए तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं हमको ये प्राइस रेंज का रुद्राक्ष हो तो बताइए, तो हमारे पास अवेलेबल होगा, हम आपको तुरंत बता सकते हैं। हम आपको एक ब्रॉड रेंज बताएंगे, जैसे कि 8,500 से लेकर 14,500 की रेंज के दाने हैं। अभी इसमें हमने असॉर्टिंग किए हुए हैं तो आपको पता चल जाता है, हमको पता चलता है कि 8,500 से 14,500 रुपये के रेंज के दाने हैं। इसमें सबसे टॉप दाना है ये 14,500 रुपये का है, ये सबसे फर्स्ट दाना है हमारा 8,500, सारे उसके बीच के दाने हैं। और अभी इसके लोएस्ट क्वालिटी, इसके नीचे का क्वालिटी तो हमारे पास नहीं होगा, तो उसको ना ही हम रखते हैं ना ही हम बेचते हैं और ना ही हम रेकमेंड करते, वो हमारा धंधा बिजनेस वो है ही नहीं। तो आई होप दिस हेल्प्स यू अंडरस्टैंड ऑफ हाउ टू लुक फॉर द प्राइस ऑफ द रुद्राक्ष। और एंड उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमको किस नज़रिए से देखें। हमारे पास आ रहे हैं तो क्वालिटी के लिए आइए, हमारे पास को सस्ता माल ढूंढने के लिए मत आइए। हमारे पास ना अवेलेबल है ना ही हम आपको सर्विस दे पाएंगे उसकी, तो मेहरबानी करके हमारे पास सस्ते रुद्राक्ष की अपेक्षा ना करें। चीप रुद्राक्ष नहीं है हमारे पास कोई सस्ता, हमारे पास प्राइस रेंज है। समझो आप जनरल बता दो, 7 मुखी रुद्राक्ष मांगते हैं मोस्ट ऑफ द लोग, मैं पहले भी बता चुका हूँ, 1500 से लेके 3,500 रुपये के 7 मुखी रुद्राक्ष हमारे पास अवेलेबल है। अभी 1500 रुपये के दाने होते हैं, बहुत छोटे होते हैं महीन दाना, और उससे बड़े होते हैं तो 3,500 रुपये का दाना समवॉट ये साइज़ का आता है। तो ये बात आपको समझनी है एज अ बायर। और उससे भी लो क्वालिटी का मिलता है मार्केट में, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे भी मिलता है। येस डेफिनेटली यू कैन ऑर्डर फ्रॉम देयर, बाय फ्रॉम देयर, हम आपको थोड़ी रोकने आए। यू कैन बाय फ्रॉम देयर, सस्ता दाना मिल ही जाता है अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे डेफिनेटली। लेकिन उसके लिए भी मैंने बताया, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे ख़रीदेंगे तो आपको ऑलवेज़ रिटर्न रिजेक्ट पीस आएगा। हमारे पास ख़रीदेंगे सबसे पहले तो ये जो दाना है नेचुरल होल रहता है, इसमें ना होल गिरा है, दिस इज़ अनयूज्ड अनटच्ड दाना है। एक बार किसी के माला में पास हो गया, एक बार यूज़ हो गया, फिर वो यूज्ड दाना हो गया है। वो किसी ने डाला अमेज़ॉन पे तो हर बार, फ्लिपकार्ट पे तो रिटर्न पॉलिसी ऐसी है कि 10 दिन के बाद रिटर्न। हर कोई ट्राई आउट करेगा इसको, 8-10 दिन पहन के गले में धारण करके, नहीं जमा तो रिटर्न कर देगा। ऐसे दाने अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे हर जगह मिलते हैं। अभी उसका प्राइस हमको बता के उसका प्राइस कंपेरिजन हमारे से करने का कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज वी आर गिविंग यू जेन्यून। ये अनटच्ड दाना है, इसको अभी तक छेद भी नहीं बना है, ये नेचुरल होल यहाँ पे होता है और इसका नेचुरल होल यहाँ पे से तो तैयार भी नहीं किया, इसको धागे में पिरोया भी नहीं है। दिस इज़ अ फ्रेश पीस, ये लूज़ रॉ मटेरियल दाना है। अगर आप समझते हैं इस बात को तो ज़रूर हमारे से परचेज करिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अंडरस्टैंड हाउ टू लुक एट द प्राइस ऑफ द रुद्राक्ष। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आशा करता हूँ आप लाइक तो करते ही होंगे हमारे वीडियो को, और आशा करता हूँ कि आपको जेन्युइन चाहिए, आप हमारे शॉप पे आइए, हमको कॉल करिए एंड लुक एट इट लाइक अ जेन्युइन सेलर है हम बेचने के लिए, क्योंकि हमको लोग पूरा पैसा दे के माल लेते हैं तो हम जेन्युइन ही माल रखते हैं। आई होप दिस हेल्प्स यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।